नमस्कार, न्यूज फॉर एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। कल वैलेंटाइन डे है, ऐसे में वैलेंटाइन डे के खास मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी बिहार वासियों को एक तोहफा देने जा रहे हैं। और तोहफा ये है कि कल से जितनी भी पाबंदियां हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी और खुलकर लोग अब सड़कों पर निकलेंगे, पार्कों में जाएंगे, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाएंगे। ऐसे में किस तरह से इन सभी पाबंदियों को खत्म करने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कोरोना की जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है और यही वजह है कि धीरे धीरे करके जितनी भी पाबंदियां थी उन सभी को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि इन पाबंदियों को खत्म करने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि हमें सतर्क रहना है और कोविड गाइडलाइन का पालन करना है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू सभी तरह की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। यह फैसला 14 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा। वर्तमान में लागू पाबंदियां 7 से 13 फरवरी तक के लिए लागू है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद उक्त फैसले लिए गए हैं। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि 6 फरवरी से ही राज्य में लागू अधिकांश पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कक्षा 8 तक के स्कूल, कोचिंग, सिनेमा हॉल आदि को 50% क्षमता के साथ ही खोलने का निर्णय था, पर अब ये भी सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल वर्तमान की भांति आगे भी सामान्य रूप से खुलेंगे। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी लोगों के शामिल होने की संख्या की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में टीका प्राप्त व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा। जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर वहां अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। तो जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सामान्य हो रही है, इसको लेकर पाबंदियों को खत्म करने का फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया है। यानी कि अब जिंदगी सामान्य पटरी पर लौट आएगी और कल से स्कूल, कोचिंग और धार्मिक स्थल के साथ ही साथ पार्क और रेस्टोरेंट को भी खोल दिया जाएगा। कोई सीमा निर्धारित नहीं रहेगी। शादी समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम, जितनी भी चीजें आयोजित की जाएगी उन सभी में जो एक सीमा निर्धारित की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने अब भी लोगों से इस बात की अपील की है कि कोविड गाइडलाइन का, कोविड मानकों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए और 2 गज की दूरी बनाकर रखना होगा, तभी हम इस परिस्थितियों से निपट सकते हैं। ऐसे में कल एक तरफ वैलेंटाइन डे है तो वहीं ये ऑफर और ये तोहफा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है, जिसमें अब आप खुलकर रेस्टोरेंट में और पार्कों में जाकर बैठ सकते हैं और रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।